इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दूध की बोतल और फीडर उठाया हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के मुंह पर वो पत्थर है। और एक ऐसी बच्ची है जिसके को घेरा कर इसराइली फौजी उसकी गर्दन पर उन्होंने टांगे रखी हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 56 से ज्यादा इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों की गर्दनों पर वो उनकी टांगे हैं कि जो उन्होंने पाँव के नीचे उसको दबाया हुआ है। लेकिन उस खातून की मुस्कुराहट, उस बच्ची का जज्बा और 6 साल के अब्दुल मुकीत का वो जज्बा के जो सीधी गोली आ रही है, गन उठाई हुई है और वो पत्थर के साथ जाकर इसराइली फौजी के मुंह पर मार रहा है, तो वो ये झिझोड़ रहा है इस उम्मत और इस कौम को कि कुरान के इस आर्डर को याद करो, कुरान के इस फैसले को याद रखो। कुरान कहते हैं अंतुमुल आलोन इन कुंतुम मोमिनीन, कि गालिब तुम नहीं रहने, लेकिन शर्त उसके लिए कि तुम मोमिन बन के रहो, अपने ईमान को सलामत रख के रहो। मोहतरमा फिजा साहबा, आज क्या भरना पा और हाथों में गुलेलें उठाए हुए मजबूत और जुरतमंद फिलिस्तीनियों ने पूरी दुनिया को झिझोड़ के नहीं रख दिया है कि जो एटॉमिक पावर और इस वक्त बेहतरीन दिफाई सलाहियत का हामिल इसराइल, आज वो चीखें उसकी ट्विटर पे देखिए आप, दीगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखिए, उनकी चीखें देखिए और जनाब उनकी हालत देखिए। क्या ये हमारे हुक्मरानों के समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि अगर बेसरो सामानी के आलम में चंद हज़ार जो नौजवान हैं, अगर वो इतने बड़े मुल्क को अगर वो घुटनों पर ला सकते हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। कम अज़ कम हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो हक बनता है कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ या तो हाथों से उसको रोकें, अगर हाथों से नहीं तो हम ज़ुबान से उसको रोकें, और ज़ुबान से नहीं तो दिल से बोरा जाने। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि ये अज़फ़ुल ईमान है, तो अल्लाह ताला हमें कमज़ोर ईमान से बचाए और हमारे हुक्मरानों को जुरत अता करें। मैं आपने बात की, सवाल पूछा, बैतुल मक़दस शरीफ या जो बैतुल अव्वल, क़िबला अव्वल जिसको कहते हैं, बैतुल मक़दस शरीफ फ़िलिस्तीन के अंदर, ये वो जगह है कि जहाँ हज़ारों अम्बिया ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम से कबल इसको किबला बनाए रखा और इसकी तरफ मुंह करके वो इबादत और नमाजें बजा लाते रहे। और 18 महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम और आपके सहाबा ने भी इसी बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। तो जाहिर है बैतुल मक़दस की अहमियत अहादीस मुबारका में भी है और बिलखसूस जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 5,000 नमाजों के सवाब के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ हज़ारों अम्बिया की ये इबादत गाह रही है और हम मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक 1,25,000 जितने भी अल्लाह के नबी हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैदना ईसा तक, और ज़ाहिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो तमाम अम्बिया के सरदार और सब के आका हैं। तो हम तमाम नबियों की बराबर इज़्ज़त करते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिह का जो कुरान का ऑर्डर है उस पर पूरा उतरते हैं और हम सब की इज्जत करते हैं। और इसी हवाले से ये जो बैतुल मक़दस शरीफ है, ये ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी ये बराबर इज्जत वाला मकाम है, चूंकि जिन नबियों को ईसाई मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या यहूदी जिन नबियों को अपना नबी कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो यहाँ उन अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी जगह को अपना किबला बनाया। तो ये मुकद्दस मकाम है, चाहिए तो ये था कि ये सिहूनी और यहूदी इस मकाम की ताज़ीम करें, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वो अपने अकदार से भी हट गए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर कभी आग लगाई जाती है, कभी यहाँ पर हमले किए जाते हैं, बुनियादी तौर पर यहूदियों का ये नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो है ना उनका हैकल सुलेमानी है, जो उनके नज़दीक उनका जो है ना मुकद्दस मजहबी मकाम है, और माज़ल्ला उनके नज़दीक उनका जो मसीहा है नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, जिसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसने वहीं पे आकर उनकी रहनुमाई का आगाज़ करना है। तो वो कहते हैं कि इस मस्जिद अक्सा के नीचे वो एकल सुलेमानी है
और इस वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। और उसी कोशिश में इस दफा भी इसराइली फौज ने वहां पर ये शरारत की है। लेकिन सलूट करते हैं हम उन फिलिस्तीन के नौजवानों और मुसलमानों को जिन्होंने इनके गुरूर को खाक में मिलाया। और मैं यहाँ डॉक्टर साहब आखिरी बात एक करूंगा, मुझे थोड़ा सा एक ये भी सवाल पूछना था जी, मैं आखिरी एक आध मिनट में बात को मुकम्मल जी मुफ्ती साहब जी कंप्लीट कीजिए, मैं जाना मैंने एक सवाल पूछना था यहाँ पर शर्मीन और मलाला मलाला यूसुफ जई जैसी खवातीन से कि ये जो इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर खवातीन पर जो बम बरस रहे हैं, क्या ये खवातीन नहीं है या फिर इस तरह की जो आंटियां हैं वो महज हमारे मुल्क के अंदर खवातीन के नाम पर वो आवाज उठाती हैं और इस वक्त वो सब खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट सब खामोश हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं अपनी कौम को कि होश के नाखन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को कि जो कभी खवातीन के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी किस हवाले से, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मजहबी आज़ादी के नाम पर आकर इस्लाम, बानी इस्लाम और अकदार इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबानें खोलते हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले पाकिस्तान तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है उनकी क्यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वजीर आजम साहब ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें कि अगर वो इस खबासत से बाज नहीं आता तो हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो खुल खुलाकर इनकी मुज़म्मत करें और फिलिस्तीनियों का साथ दें। ठीक है जनरल अमजद शोएब साहब, माजद के साथ मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बड़ी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। मस्जिद अक्सा की मुसलमानों की नज़र में अहमियत क्या है, बहुत से लोगों को शायद बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं बताना चाह रही थी, सुनना चाहती थी उनसे। जनरल साहब अब जो सवाल आखिर में पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड हम ले सकते हैं और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत खुल कर बात करे इस इशू पर, तो आप कितने मुतमईन हैं इससे ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है? देखिए पाकिस्तान ने हमेशा फिलिस्तीनियों की हमायत की है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे बाज़ लोगों को शिकायत भी हुई कि जिस जमाने में फिलिस्तीनी बड़े मुतहर्रक थे और इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो भारत सफर करते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए या पाकिस्तान की वो हमायत नहीं की उन्होंने कश्मीर के मामले में, तो बाज़ लोगों को शिकायत होती थी। लेकिन हमारा एक असूली मौकफ रहा है और वो जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया उस दिन से है, जिस तरह हमारे कश्मीर के लिए है इसी तरह इनके लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक तो हमारा किबला बल है वो और दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है कि फलस्तीनी जिनकी वो सरजमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको बेदखल करके तो बाहर से ला लाके यहूदी आबाद करके तो आप कब्जा काबिज हो जाए और फिर दुनिया उसको तस्लीम कर ले और जो मजलूम है वो बेचारे दरबदर मुख्तलिफ कैंपों में दुनिया पूरी में बिखरे पड़े हुए नजर आए आपको। तो ये वो हमारा असूली मौकफ रहा और आज भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो ट्वीट की वो पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज दे दिया कि हम बहसियत कौम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और जो जुल्म है हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। अब ये है कि ये सारा जो इफेक्टिव चीज है वो पूरे जो 53 इस्लामी मुल्क हैं ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाकया हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ तो उस पर तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे, पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान के रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तैयब उर्दगान बात करते रहे और फलस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज यह है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई तो उस वक्त मिलके पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पर, पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ तो ये यहाँ पर होता है खत्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज आपको बता दें पाकिस्तान
भारत, बांग्लादेश, ये देश हैं जहां पर सोशल मीडिया पे इसराइल इसराइल छाया हुआ है, आई स्टैंड विथ इसराइल, ये वो। आपको बता दें कि ये एक यूएई के, आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव हैं हसन राज, ट्विटर में आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था जब ये इसराइल में और फिलिस्तीन में जो भी मसला ये हुआ एक मस्जिद को लेकर, तो वहाँ पर जो नमाजी थे वो नमाज पढ़ने से पहले बहुत सारे अमाउंट में पत्थर ले गए थे, और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने पत्थर मारे फोर्सेस पर, और जिसके बाद से ये दंगा फसाद शुरू हुआ। मतलब ये प्री प्लान था, और ये एक बार नहीं हुआ है। आपको बता दें, आपने देखा होगा 2016 या 17 में भी हुआ था, और ये हर बार होता है, ऐसा होता है, क्योंकि आपको भी पता है इसराइल फिलिस्तीन दो देश, मतलब दोनों के बीच एक जंग चल रही है। अब उसकी हिस्ट्री आप जाके खुद पढ़ो, चेक करो क्या लफड़ा है क्या लफड़ा नहीं है, तो वो तो आप बात की बात भाई। लेकिन इस बार जो, मतलब इस बार जो ये बहुत ज़्यादा जो, मतलब आपने देखे हमले वगैरह स्टार्ट हुए हैं, उसकी स्टार्टिंग यूएई के इस हसन राज के मुताबिक कैसे हुई कि जो नमाजी थे उन्होंने पहले नमाज पढ़ी, और उसके बाद बहुत अमाउंट में जो इसराइल फोर्सेस थी जेरूसलम में उनके ऊपर पत्थर से अटैक करना चालू कर दिया। और आप समझ सकते हो फिर होना क्या था। इसराइल को आप जानते हो कैसा देश है वो, दुश्मन को 50-50 साल मोशाद की स्टोरियाँ हैं, ढूंढ कर मारता है। मतलब दुश्मन किसी भी देश में हो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ता है। इसराइल तो वैसा देश है, और इसराइल कर भी वैसा ही कुछ रहा है। और आपको बता दें जो हमास जो फिलिस्तीन का मतलब तरफ से जो अटैक कर रहा है, मतलब उसने 50 से 60 रॉकेट अटैक कर दिए, लेकिन इसराइल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो रॉकेट 50-60 में एक दो ही शायद, अगर उनका जो डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही रॉकेट को ख़त्म कर देता है, उसमें से अगर पार करके पहुंच जाए तो ऐसा ही होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है गाइज। और इसराइल, अगर आप ऐसा करोगे एक रॉकेट मारोगे तो वहां से 100 रॉकेट आएंगे। आपको भी पता है इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसराइल की टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। रेगिस्तान में उन्होंने जब हर कुछ सब कुछ कर लिया, तो फिर तो वो आप समझ सकते हो। तो गाइज आपको बता दूं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देश के मुसलमान इतने ज़्यादा मतलब इस इशू को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यहाँ तक कि इरफान पठान ने अफगानिस्तान में मारे गए। इस अटैक में अभी तक इतने लोग भी नहीं मारे गए जितने अफगानिस्तान में 70 लोग एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे। उसमें ट्वीट नहीं किया, उस टॉपिक को कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पर लफड़ा क्या था, लफड़ा ये था कि सियाओं का मतलब कत्लेआम हुआ था, और अफगानिस्तान में ये कई सालों से हो रहा है। आप भी समझ सकते हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया, क्वेटा और नॉर्थन एरिया है, वहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। तो सिया मुस्लिम जब मरे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अटैक करने वाले सुन्नी रहते हैं। यहाँ पर सुन्नी वर्सेस ज्यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इस तरीके का डिफरेंस है। तो गाइज़ आप समझ जाएँ डिफरेंसेस क्या हैं। मैं